बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पैगंबर मोहम्मद विवाद मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी राज्य की पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार ना करे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगा। बेंच ने आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ता की हत्या के वायरल बयान सलमान चिश्ती का भी संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी में एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता का सिर काटने की धमकी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। नुपुर शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ अलग अलग स्थानों पर 9 FIR दर्ज हैं और उन सभी को एक ही जगह ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि देश के अलग अलग शहरों में उन्हें यात्रा ना करनी पड़े। सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर शर्मा की जान को गंभीर खतरा है और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। मनिंदर सिंह ने कहा कि कई नई घटनाएं हुई हैं। पटना में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं जो नुपुर की हत्या की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान से किसी के आने की आशंका जताई जा रही है। वकील ने कहा कि मेरे लिए हर राज्य के कोर्ट जाना संभव नहीं होगा। उधर अदालत ने केंद्र और उन राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां नुपुर शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इस नोटिस में अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों ना ट्रांसफर कर दिया जाए। माना जा रहा है कि राज्यों और केंद्र की ओर से जवाब मिलने के बाद केस के ट्रांसफर को लेकर अदालत की ओर से फैसला लिया जाएगा। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पिछले आदेश में थोड़ा संशोधन करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपको हर अदालत में जाना पड़े। बेंच ने केस की सुनवाई के दौरान अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के बयान का भी संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपने घर देने का ऐलान किया था। कोर्ट की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के फैसले से नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।